सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहेगुरु जी की हाल है। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं सो के उठ के आ गई हूँ नीचे, तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं और मैं पूरे 7 बजे उठी थी। सो सॉरी गाइस, 7:45 मैं उठी थी। बिल्कुल दिल नहीं करता यार सुबह सुबह उठने का, रात को नींद नहीं आती। 1:30 बज जाते, कभी 2 बज जाते और सुबह सुबह वही अपने टाइम पर उठना पड़ता है। अलार्म लगा के सोती हूँ मैं 6:30 बजे का, बजते बजते 6:30-7 बजे उठती हूँ मैं। डेली ऐसा नहीं होता, कहीं पर उठ भी जाती हूँ जिस दिन रात को जल्दी सो जाऊँ। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ नीचे। गुड मॉर्निंग जप्पू। गुड जप्पू का तो बेचारे का खुद का यही हाल है, इसका खुद दिल नहीं करता उठने का। नहीं करता ना, है ना? उठना वो बेकार है सुबह सुबह, ना जप्पू? जप्पू बिजी है गाइज, अपने स्कूल का बैग लगा रहा है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे जप्पू की यूनिफॉर्म प्रेस। और साथ ही साथ मैंने रात को भी खोए थे वाइट चने, तो वो रख दिए मैंने बॉईल करने के लिए। सबसे पहला काम मैंने यही किया नीचे आके कि वाइट चने बॉईल कर देती हूँ, फिर उसके बाद फटाफट से मसाला बना के मैं यही सोच रही हूँ डुकू को लंच साथ में दे दूँगी, सब्जी बना लेती हूँ अभी, बाकी देखते हैं जैसा होगा। तो अभी यहाँ पर जप्पू का सामान पूरा रेडी है, यूनिफॉर्म प्रेस कर दी है मैंने, और यहाँ पर ये अपने लिए रात को अंकल चिप्स का पैकेट जो लेके आया था ना, बैग के साथ ही रख लिया है। बैग भी इसने रेडी कर लिया अपना, गया हुआ नहाने। हेलो गाइस, सो गाइस अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। अभी टाइम हो चुका है 7:52। पापा आ चुके हैं तो चलो पापा स्कूल चलो, तेरा टाइम हो गया। आज मैंने पहनी है व्हाइट यूनिफॉर्म क्योंकि आज है फ्राइडे, आज वेंसडे नहीं है। सबको दिख रही है तूने व्हाइट पहनी है। हाँ जी, चलो चलते हैं अभी हम स्कूल। हेलो गाइस। हेलो, क्या बना रहे? बना रहे हो आप? आप किचन में हो आज, मैं किचन से बाहर हूँ। आप किचन में जाओ, किचन में डुबू बनाएंगे सब्जी। और ये वो देखो वहाँ पे डुबू ने ना प्यूरीज रेडी कर ली है, अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्ची की प्यूरी, और साथ ही साथ टमाटर जो खराब निकलेंगे उनको फेंकते ही है। आपने फेंकी है किचन में, आप वो सब्जी आप बना रहे हो। चलो बैठने दो, सांस चढ़ गई। सो गाइस, डुगू जप्पू को स्कूल छोड़ के आ चुके हैं और साथ ही साथ मैंने पीछे से सब्जी के लिए प्यूरीज भी रेडी कर ली हैं। तो फटाफट से अब मैं लगाऊंगी सब्जी को तड़का। वो देखो मैंने अपनी फेवरेट कढ़ाई रख दी है और चने तो सुबह ही बॉयल कर लिए थे। तो सब्जी के लिए मसाला रेडी हो गया है, मैंने इसके अंदर सिर्फ टेस्ट अकॉर्डिंग नमक तो मैंने बॉयल करने में ही डाल दिया था। तो अभी मैंने इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च कलर वाली, काली मिर्च और धनिया पाउडर बस ऐड किया है। जब आप मसाला देखते हो ना तो आपको येलो येलो दिख रहा होगा, पर मसाला रेड है बिकॉज फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन है, अंधेरा आता है तो फिर मतलब वैसे प्रॉपरली मसाला दिख नहीं पाता, इसलिए फ्लैश लाइट ऑन करिए तो येलो येलो मसाला दिखना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे डुगू देख रहे हैं ग्रीश ब्रो का व्लॉग, और साथ साथ डुगू को नींद भी आ रही है, साथ ही साथ डुगू को नींद भी आ रही है। और डुगू को मैंने पागल बना के 5 मिनट बोल के पिछले 15 मिनट से नीचे बिठाया हुआ है। हेलो, जाओ ऊपर, जा रहे हो? बाय बाय डुगू। रात को ना जल्दी सो जाया करो, जो सुबह आपको नींदरें चढ़ी रहती हैं। सो गाइस, सब्जी को आ गई हैं 2 सीटी, तो मैं कर रही हूँ इसको सिम पे। और यहाँ पर मैंने राइस धो के भिगो दिए हैं, थोड़ी देर भिगो के उसके बाद बनाओ ना, बहुत अच्छे राइस बनते हैं, लंबे लंबे, बिल्कुल पतले पतले। सो गाइस, 10 से 15 मिनट सो के मैं आ गई हूँ नीचे। डुगू चले गए हैं नहाने और यहाँ पर मैंने राइस भी रख दिए बनने के लिए, सब्जी बन गई है, बस अभी प्रेशर में खुली नहीं है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ले लिया जग में थोड़ा सा दूध डुगू के लिए बनाने वाली हूँ मैं आज मिरिंडा वाला दूध, क्योंकि रात को डुगू मिरिंडा लेके आए थे ना, तो डुगू की फेवरेट है मिरिंडा वाला दूध, तो मैं सोचती वही बना लेती हूँ। राइस बन गई है, सीटी आ गई है राइस को। सो गाइस, दूध बनाने के लिए मैंने जग में लिया है 1 गिलास दूध छोटा और 2 चम्मच चीनी डाली है इसमें। और इतना बड़ा जग मैंने इसलिए लिया क्योंकि ब्लेंडर से दूध इधर उधर फैल जाता है, इसलिए मैं बड़े जग में बनाती हूँ, आराम से बन जाता है इसमें। तो अभी 1 गिलास दूध में मैंने ऐड करी थी 1 गिलास मिरिंडा। दूध भी आपको व्हाइट नजर आ रहा होगा बिकॉज फ्लैश लाइट ऑन है, पर दूध ऑरेंज है।
हेलो गाइस, तो अभी नहा धो के हो चुका हूँ मैं रेडी। और हली ने जैसे कि बनाया छोले, मुझे कहती छोले के साथ परौंठे खाने के फुलका खाना है, मैं क्या खानी है पूड़ी। तो अभी बना रहे हली ने पूड़ी, और जप्पू खाएगा दोपहर को मेरे ख्याल चावल, जब उसको पता लगेगा ना कि मैं छोले पूड़ी खा के गया फिर सड़ेगा, कहेगा कि मुझे क्यों नहीं थी पूड़ी। तो मैं व्लॉग जप्पू देख ले, व्लॉग देखेगा तो मैं अभी छोले पूड़ी खा रहा हूँ, अभी पूड़ी आती फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ चुकी है पूड़ी, छोले, अचार। तुमने नहीं खाने हली पूड़ी है, तुम भी खाओगी? और जप्पू, चलो देखते जप्पू खाता नहीं खाता, मैं तो यहाँ खाने लगा, टीवी चल रहा है साथ में, यो यो हनी सिंह। हेलो गाइस, अभी मैंने नहा लिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ डुगू को भेजने के बाद। मैंने भी ब्रेकफास्ट किया था पूड़ी छोले, और खाने के बाद ऐसी सुस्ती आई ना, मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी, सो गई थी। और अभी उठ के नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ, अब जा रही हूँ जप्पू को स्कूल से लाने। और एक वो अलग से चिढ़ेगा कि उसको छोले पूड़ी नहीं दी थी, क्योंकि सुबह सुबह तो उठ के मैंने बनाए नहीं थे छोले, आपके सामने उसके जाने के बाद ही बने हैं, तो ऑब्वियसली वो आके ही खाएगा, पर वो चिढ़ेगा जरूर, देखना। देखते हैं, आजकल वैसे कम हो गया चिढ़ना, पर देखते हैं क्या चिढ़ेगा कि नहीं। हेलो बच्चों, ये बच्चे आज हम कितने दिन के बाद भैया के रिक्शा पे जा रहे हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? आज जप्पू का बैग चेक हुआ और जितने लाइट वाले पेन लेके घूम रहा था ना, मैं तेरे को चाय सारे नहीं लिए, मैं तेरे को कितनी बार मना किया ना मत लेके जाया कर स्कूल में, बदतमीजी करता, पापा ने दस दिया होने कार जाके। सो गाइस, अभी घर पे आ गई हूँ। जप्पू को चिढ़ना तो क्या ही था, जप्पू को डांट पड़ी रिक्शा में मेरे से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पेन लेके जा रहा था, और पेन भी वो वाले लेके जा रहा था जो स्कूल में नहीं लेके जाने चाहिए, ऊपर से नाम भी मेरे लगा देता है। आप मुझे ये बताओ, मैं इसको बोलूंगी गन वाला या स्पून वाला पेन स्कूल में लेके जा? इतनी बदतमीजी करता है ना कभी कभी, तो ये दिल करता हड्डियां तोड़ दो सच्ची में इसकी। अब आते ही एसी चला के नंगू पुंगू होके बैठ गया है, इसको ये भी समझ नहीं है कि मैं कपड़े पहन लूं, मौसम खराब चल रहा है, बीमार हो जाऊंगा, पेपर सिर पे है ना, हर चीज मैं नहीं समझानी है इसको, हर चीज नंगू पुंगू होके बैठ गया। जब कोई बात बताऊं, जब तू सुबह चला गया था ना, तेरे ना आइसक्रीम तो खाई नहीं, छोले पूड़ी खाई थी, छोले बनाए थे और पूड़ी बनाई थी साथ में, छोले तो बने हुए हैं। हाँ, उसके बाद पूड़ी बनाई थी हमने सुबह, छोले पूड़ी, पापा ने भी, मैंने भी ब्रेकफास्ट किया था। तो क्या हो गया? देखा, मैंने आपको बोला था ना जप्पू थोड़ा चेंज हो गया, चिढ़ता नहीं है अब, पापा कह रहे थे चिढ़ेगा तू। मैं क्यों चिढ़ूंगा? हाँ, मैंने कभी छोले पूड़ी नहीं खाई है, मेरा बेटा बहुत समझदार है, चिढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, है ना? सुन लो डुगू, आप उसको सुबह सुबह कह रहे थे ना कि जप्पू हम मैम छोले पूड़ी खा रहे हैं, तू चिढ़ेगा देख के, देख लो आपको नहीं चिढ़ा जप्पू, है ना जप्पू? तो अभी अभी मैं ले अभी अभी मैं लेके कुछ सामान ऊपर चढ़ी हूँ। ये देखो हमारे फेवरेट नटखट, अंकल के पास बहुत सारे थे तो मैंने इतने सारे ले लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर बैंगन भी ले लिए, सोच रही हूँ बैंगन का भरता बनाऊंगी। बैंगन बड़े मजेदार, वाह बैंगन बड़े मजेदार, जो तूने नहीं खाने हैं। मैंने फिर भी नहीं खाने, चांटे इतने पड़ेंगे, मैं फिर भी खा लूंगा, गुड बॉय। अब लंच दूं अभी के रुक के दूं? मैं नटखट खा रहा हूँ, अभी नहीं करना लंच। नो यार, आप लोग कितने तेज हो ना, हर एक चीज, मतलब आप यहाँ से पता लगता है कि प्रॉपरली ढंग से व्लॉग देखा जाता है। पता है मुझे आपने डांट पड़वा दिया, आपने से किसी ने, जब मैं ना राइस भी गो रही थी ना, तो मैंने लाल मिर्च खत्म हुई हुई थी, काली मिर्च खत्म हुई हुई थी, उसमें जो मेरी जो मैंने डिब्बे वाला वो पूरा रखा हुआ है ना बॉक्स, उसमें तो मैंने सोचा कि पहले मैं मसाले डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक ही साथ तड़का लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ तो मैं बॉईल करने में डाल देती हूँ, सिर्फ प्याज का तड़का लगाना होता तो इतने में तड़का जल जाता है। तो मैं ना काली मिर्च डालने लगी, तो काली मिर्च एकदम से मेरे हाथ से ना जैसे पैकेट से उड़ के ना, मतलब एक जैसे चिमनी भी चल रही थी, इधर पंखा भी चल रहा था, तो उड़ के थोड़ी गिर गई, तो थोड़ी चावलों में चली गई, चावल वैसे धोए हुए थे, तो उसके बाद तो मैं वैसे भी जब भी गोए हुए चावल है तो ऑब्वियसली धो के ही डालूंगी, तो मैंने कहा चल अभी धो लूंगी। अब उसके अंदर काली मिर्च उसके ऊपर ऐसे जो थोड़ी बहुत गिरी ना, वो हल्की हल्की उसके ऊपर तैर रही थी, आप लोगों में से किसी ने देख लिया। अब मैंने उसका रिप्लाई किया कि मेरे से काली मिर्च गिर गई थी, तो डुगू ने वो कमेंट, ऑब्वियसली डुगू पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो डुगू ने वो कमेंट पढ़ लिया, साथ ही मुझे फोन आ गया, हरलीन आंखें खोल के काम कर लिया करो, क्या करती रहती हो, तो पढ़वा दी ना आपने मुझे डांट यार, थोड़ा इग्नोर कर दिया करो चीजों को। सो अभी मैं पढ़ा रही थी बैठ के ट्यूशन, और इतनी तेज बारिश आई है ना आज, बारिश ने सब कुछ तहस नहस करा है, इतना गंद मचता ना मेरा ऊपर जब बारिश आती है, तो बड़ा दिमाग खराब होता मेरा कसम से। तो अभी मैं बैठी हुई थी तो मेरी सिस्टर की कॉल आई, मेरी सिस्टर की बेटी आ रही है, वो कहती क्या बनाया, मैंने कहा छोले चावल,
कहती नहीं खाने। मैंने कहा बैम्बिनो बना लेती हूँ, कहती नहीं खानी मासी मैगी बना लो वो मैं खा लूँगी। तो अभी फिलहाल मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, और मैगी बनाने के लिए ना मैंने स्टार्ट भी कर दिया प्रोसेस, मसाला वसाला कट करके, या और बहुत गर्म है, मसाला वसाला कट करके ये देखो इसमें डाल दिया है। वैसे मेरे जैसा कोई एंटी ही होता जो मैगी में आलू भी डालता है, पर मुझे ना बहुत टेस्टी लगते हैं मैगी में आलू। अर्श की मम्मा बैठी थी, मैंने अर्श की मम्मा को बोला, मैंने कहा मैं मैगी में आलू डालूं, अर्श की मम्मा कहती पागल है तो डाल ले, मैं कहा मैं पागल हूँ मैं डालूंगी। बहुत स्वाद लगते हैं मेरे को मैगी में आलू, और मैं डाल रहा हूँ, पता नहीं वो भी खाएगी कि नहीं, वो भी आके मैंने पावे गाला ही गड्ढे, पर मैंने पा दिए गाइस, मुझे बड़े स्वाद लगते हैं। तो आलू प्याज और हरी मिर्ची कट करके मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और साथ ही थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया जिससे आलू फटाफट से गल जाएंगे। और ये रात को 6 वाला मैगी का पैक लेके आई थी ना, यही खुलेगा और सब में बटेगा। हेलो गाइस, जसलीन कहती है यार व्लॉग मत बनाया करो, सब कुछ सही है बस मेरा व्लॉग मत बनाया करो, है ना। सबको अपना हाय हेलो तो कर दे, बड़े दिन के बाद आई है, कैसे हो आप सब? मैम तो तेरे को बोलता ये बोल, कैसे हो आप सब? देख रही है जप्पू, देख रहे जस्सी दीदी को देख रहे? अरे भाई मैचिंग हो गई दोनों भाई बहन की, और 5x पे करते ही कैमरा ब्लर हो गया, 1x पे करते ही क्लियर हो गया। जस्सी दीदी को लगी है भूख, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, क्यों मंगवाऊँ मैं, क्यों, कौन सी खुशी में? वो बंद डबल रोटी बड़ी पीछे खा ले, खा गए नट्टू भी नहीं खाती, वो नट्टू खा लेती है पानी दो। सो गाइस मैगी बनी थी, इतनी गंदी मैगी बनी थी ना, क्या ही बताऊं मैं आपको, मैं मैगी रख के भूल गई, मैगी ज्यादा गल गई, पर टेस्ट अच्छा था, है ना जस्सी, टेस्ट अच्छा था। तो अब हम अभी तो मैगी खाए बहुत देर हो गई, 2 घंटे बीत गए, अब बच गया 9:15, और डुगू आ गया नीचे, हम जा रहे हैं डिनर करने बाहर, क्योंकि हमारी प्रिंसेस आई है, तो हमने कहा इसको मोटी को डिनर बाहर करा के आते हैं। तो अब हम चले डिनर करने, जल्ले मल्ले बन के जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में खाना है ना, चलो चलिए। सो गाइस अभी हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, पीछे बैठा जपनूर व्लॉग्स, जपनूर व्लॉग्स के साथ बैठी उसकी कजन, आगे बैठे हैं डुगड़ी, डुगड़ी से तो हम आज मिले ही नहीं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। जब पहली बार मैं स्टेज पर चढ़ रही थी ना, तो डुगू ने मेरा हैंड ऐसे पकड़ था और ऐसे कर रहे थे, ऐसे पकड़ के उसके अंदर से सारे पुट्टे काम। फिर कैसा गया आपका दिन? बहुत बढ़िया, सुंदर लग रहे हो आज, सुंदर हुई हूँ मैं। विटामिन ई वाले फेशियल का कमाल है, जो कि आपने अभी तो बिल्कुल नहीं करवाया, है ना गाइस। लग गया है जाम, ये देखो लग गया है जाम दिखा, और हम लोग गाड़ी में ही बैठ के खा पी रहे हैं, खा रहे हैं पी नहीं रहे हैं, पी ये रहे हैं मिरिंडा, घर से ले आया था कल वाली जो कलम वो लेके आए थे ना स्टोर से, वही उठा के हम यहाँ पे ले आए थे। तो अभी हम लोग गाड़ी में ही खा पी रहे हैं, और खा पी भी हम लोग नॉन वेज ही रहे हैं, तो इसलिए व्लॉग में क्या ही दिखाना, नॉन वेज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता दिखाने का, है ना, है ना डुगड़ी। फिर अब खा पी लेंगे, उसके बाद मौसम अच्छा हो रहा है, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके चल रहे हो? कहीं भी नहीं, घर जाऊंगा, सोऊंगा नींद आएगी मेरे को तो। फिर कल कितने कैसी रात 1:30 बजे तक मूवी देखन नु है, देख लेना कल, बस देख लेना देख लेना। अरे भाई कोई कह रहा था कि तुम्हारा तो 10 किलो आटा, मैंने पढ़ा कमेंट, तुम्हारा 10 किलो आटा पूरे महीने चलता है, महीने से भी ज्यादा चल जाता है। मेरे को हंसी आपके कमेंट पे कम आई, पर डुगू के कमेंट पे ज्यादा आई कि हमारा 10 किलो से भी ज्यादा चलता है। आज फिर हम बाहर हैं, हम तो रात को खाते हैं ज्यादातर बाहर से, सुबह और दोपहर के तुम्हारी घर ही बनती है, और रात का ही खाना लगता है डुगू खाया हुआ रात को ही। आपका तो कुछ जा नहीं रहा, मेरा कुछ बच नहीं रहा, कोई चक्कर नहीं, आपको मैं ऐसी पसंद हूँ मोटी, मैं मोटी रहनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, भैया के पास। तो ये एक आइसक्रीम थी रॉकी रोड, तो ये हमने ली थी, बहुत टेस्टी थी, तो आज फिर से हम चारों ने वही ली है। और ये देख लो आधी रात को दांत इतना खराब है, पर आइसक्रीम खानी जरूरी है डुगो को, दांत तो होना ही होना चाहिए, खा के चेंज क्यों ना कराया जाए। अभी डुगो कहते मैं मीठा कम खाता हूँ, कभी खाता हूँ मैं, हर रोज तो खाते हो आप, सुबह सब खाया है, क्यों सुबह सुबह दूध पिया मिरिंडा वाला, उसके बाद अच्छा तभी मिरिंडा कम हुई थी, अभी आप कह रहे मम्मी से पूछियो,
मैंने बोला भी नहीं था मम्मी को बनाने के लिए। जो मैं ना बनाती ना, तब डुगू ने मैंने पता कि जवाब देना है। वो मिरिंडा मैं आपके लेके आया हूँ, अपने पापा के घर भेजनी होगी। मैं को दो लीटर नहीं पिलाया था जब पापा घर पे। ऐसे ही बोलते हैं ना नाने, जब गलती से अंदर पड़ा होता पापा एक्स्ट्रा ले आते तो बोलते यमुना नगर भेजना होगा ना। हाँ ये बोलते पापा। अब बोलो क्या बोले। अब हम जा रहे जस्सी को उसके घर ड्रॉप करने। बाय बाय अच्छी दीदी। जस्सी गई, जप्पू जस्सी गई, बाय बाय। जस्सी को टर्न करके हम आगे आए थे और ये देखो आमने सामने बीच में दो गाड़ियां लगी हुई हैं। गाड़ी निकलने का रास्ता ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग गाड़ी पार्क करते हैं। ये देखो सिर्फ दो बंदे निकल पा रहे हैं, बीच में से गाड़ी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब फाइनली गाड़ी हम लोग बैक करके पीछे लेके आए हैं। और हमने उनको फोन भी कैसा कैसा दिमाग है ना डुगू लोगों का। कैसे कैसे लोग है ना डुगू। किसी को इमरजेंसी हो जाए फिर वही ना, बीच में गाड़ी लगा के चले गए, गाड़ी निकलने का रास्ता ही नहीं। फिर ऊपर से कह रहे मैं रोज खड़ी करता हूँ। हम भी यहाँ पे रोज ही आते हैं, हमको तो कभी नहीं दिखी। तू प्रधानमंत्री है ना। सो गाइस अभी हम घर पे आ चुके हैं, टाइम हो चुका है। मम्मी कितना टाइम हो गया? 10:26 अभी टाइम हो चुका है। अब जैसे दीदी अपने घर चले गए हैं और अब यहाँ पे हो रही है नटखट पार्टी। और सुनो बता दें हमारे यहाँ से पानी आ गया था। है पानी? हाँ आया तो था मम्मी, आपने बताया था, मैंने ब्लॉग में बता दे जरा। तो गाइस सो गाइस ये देखो यहाँ से पानी आया था हमारी छत। ये देखो ये एक लाइट पता नहीं कहाँ से बन गई है पानी की, एक यहाँ से पूरी सीलन आ गई है। तो ये अब देखो मैंने लाइट बंद कर दी, अब दिख रही होगी यहाँ से कुछ हो गया और एक वहाँ पे पता नहीं लाइट बन गई है। सो गाइस अब एक आज एक वीडियो दिखाता मैं आपको। सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। भाई कुजी की हाल है। गाइस अब काजू जाते हैं गुरुद्वारे सिर्फ चुन्नी लेके। तो अब करते थे इस वीडियो का एंड। तो हमारी आज की वीडियो आज का व्लॉग भी सही देखी था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बैंक को जुड़वाना। मिलते हैं अगली वीडियो अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। टाटा बाय बाय।